हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पैन कार्ड पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पैन कार्ड क्लब की जो आपको न्यूज़ लेकर आए हैं, वो न्यूज़ बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता है कि कोर्ट ने सेबी को फटकारा था। क्यों फटकारा था दोस्तों? क्योंकि उसने कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ की थी कि निवेशकों को और कोर्ट को उन्होंने गुमराह किया था। और क्यों गुमराह किया था वो आपको मालूम ही होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैन कार्ड क्लब के मामले में सेबी को जो गुमराह किया गया था, उसके आधार पर अब आगे की जो कार्रवाई की जा रही है दोस्तों, 52 लाख निवेशकों से देश में हुई ठगी के मामले में बहुत बड़ी ये कार्रवाई की जा रही है। मामला मुंबई का है। नागरिकों को अधिक कमाई का झांसा देकर निवेशकों के नाम पर देश भर के लाखों ग्राहकों के पैसे हड़प करने वाली पैन कार्ड क्लब घोटाले मामले में बी को जब्त संपत्ति की जानकारी छिपाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस साथ ही जब्त की गई सभी संपत्ति की जानकारी मांगी है और ये भी कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये जानकारी हमें चाहिए। पैन कार्ड क्लब लिमिटेड के देश भर के लाखों निवेशकों को निवेश के माध्यम से अधिक रिटर्न देने का झांसा देते हुए 52 लाख ग्राहकों के साथ ठगी की है। इन पैसों में कंपनी के डायरेक्टरों और अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन निवेश किए गए पैसे वापस नहीं किए गए। इस तरह से लगभग 7,035 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा होने के बाद निवेशकों ने सेबी से शिकायत की। इसके साथ ही सट ने भी शिकायत की गई। इस मामले में सट ने सेबी को पैन कार्ड क्लब के प्रॉपर्टी जब्त कर निवेशकों के पैसे वापस देने का आदेश दिया था, जिसके बाद सेबी ने पैन कार्ड क्लब की प्रॉपर्टी जब्त कर नीलामी करनी शुरू कर दी है। सेबी के अधिकारियों द्वारा जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी रेडी कैनर से कम कीमत पर किए जाने की जानकारी जब से मिली है। निवेशकों का जो खाका है वो तैयार कर लिया जाएगा। उसका पूरा जो पैसे देने की प्रक्रिया का प्रोसीजर होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे दोस्तों, और उस प्रोसीजर को सेवी विभाग के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और उनके द्वारा जो भी बताया जाएगा, जो भी प्रोसीजर वो बताएंगे, वो वही आपको हम बताएंगे, जिससे आपका पैसे मिलने की जो तैयारी है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। और आपको ये भी बता देंगे कि अगर सेबी वेबसाइट ने अपनी कोई वीडियो वगैरह अपलोड की आप लोगों के प्रोसीजर के बारे में, तो दोस्तों वो भी हम डायरेक्ट आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे, ताकि आप निवेशकों को कोई परेशानी ना हो। और जितने भी उनका दस्तावेज वहाँ पर अपलोड करने होंगे आप लोगों को, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सभी निवेशकों का पैसा जो है इसमें खून पसीने का पैसा है, और ऐसे पैसे को हम डूबने नहीं देंगे दोस्तों। ये पैन कार्ड की खबर आपके लिए हिस्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी हमें टूटी फूटी मिलती है दोस्तों, हम आप तक जरूर लेकर आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त मीडिया, गोद मीडिया में चिटफंड कंपनी और घोटालों की कोई खबर नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि इन न्यूज़ों से कोई आरपीटी इनकी पूरी नहीं हो जाती, या कोई इनका मैटर बहुत दोस्तों लंबे हैं, और इनके मैटर को अगर आपको बताया जाए तो दोस्तों उसमें बहुत विलंब लग जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि गोद मीडिया का मामला इस वक्त वही है कि जितनी जानकारी ये देता है वो उसी आधार पर देते हैं जिसमें इनको कहीं ना कहीं फायदा छुपा हो, और अपने फायदे को पहले देखते हैं दोस्तों। और हमारे इस पैन कार्ड मामले में तो बहुत लंबा मैटर खींचा, तो अब इनकी उस पर या किसी भी मीडिया की नजर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती दोस्तों? इसलिए नहीं जाती क्योंकि ठंडे जो ज्यादा विलंब जिन में हो जाता है, जैसे कि आपकी मैटर को देख लिया इन्होंने कि 2018 से भी पहले का मैटर चल रहा है, और इस मैटर में कोई मतलब न्यूज़ ऐसी जब मीडिया के पास नहीं होती तो मीडिया नहीं डाल पाती, तो बड़े चैनलों में बहुत मुश्किल से न्यूज़ें मिलती हैं। हम छोटे मोटे चैनल ही आपको कहीं ना कहीं से इकट्ठी करके कोई ना कोई न्यूज़ पकड़ के लेकर आके आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।